आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार का उपलक्ष्य 2018-19 में दोस्तों अभी जो आप लोग का एडमिट कार्ड आने वाला है उससे रिलेटेड सभी जिले के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। तो क्या है चलिए जान लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग देख पाएंगे एप्लीकेशन आईडी नंबर प्रिंट करें तो सारी बातें आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे 8 जिला हमने यहाँ पे दी हुई है दोस्तों। ये 8 जिला में दोस्तों अभी आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई हो गया है, बस अभी एडमिट कार्ड आना बाकी है। तो पहले जो आप लोग का ये चारों का एडमिट कार्ड आएंगे, बाद में जो ये चारों का एडमिट कार्ड आएंगे, ठीक है। अब मैं आप लोग को बता दूँ, अभी जो है दोस्तों अगर आपके पास जो है यूज़र आईडी या फिर एप्लीकेशन आईडी नंबर अगर आप लोग के पास है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है डिलीट हो गया है तो आप लोग जो अभी रिकवर कर लीजिए, क्योंकि बाद में जो वेबसाइट जो बिजी हो जाएगा, इसलिए अभी आप लोग रिकवर कर लीजिए। चलिए कैसे करेंगे मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को जो है जिला संग्रहालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ये वाला लिंक जो दोस्तों ये लिंक आपको दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वाला वेबसाइट पर आप लोग आ जाएंगे। वेबसाइट पर जैसे आएंगे तो सबसे पहले अगर आप लोग का यूज़र आईडी भूल गए तो क्या करना होगा, फॉरगेट पासपोर्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज खुल के आएगा। उसके बाद अगर आप मान के चलिए यहाँ पे बक्सर का निकालना चाहते हैं, बक्सर पर क्लिक करेंगे, या फिर निकालना चाहते हैं आप या मुजफ्फरपुर का तो मुजफ्फरपुर में क्लिक करेंगे। फिर आप लोग का मोबाइल नंबर डालेंगे, जब आप मुजफ्फरपुर जिले के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे वो वाला मोबाइल नंबर ही डालेंगे। और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आपका सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जो है 2018 पे क्लिक करके 13 पे क्लिक करना है, थोड़ा ऊपर जाना हम लोग को, ठीक। इसी तरह जो है आप लोग का जो ईयर होगा यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ से अपना डेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा यह हो गया है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा ये वाला, यहाँ कैप्चा डाल के आप लोग जैसे यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे आप लोग के मोबाइल के मैसेज में आप लोग का जो यूज़र आईडी और पासपोर्ट आ जाएगा। तो यूज़र आईडी और पासपोर्ट आने के बाद क्या करेंगे आप लोग, थोड़ा एक बार बैक जाएंगे दोस्तों। बैक आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए आप लोग का यूज़र आईडी जो आएंगे यहाँ पे डालना है और पासवर्ड यहाँ पे डाल के ये वाला कैप्चा फिर से एक बार यहाँ डालना है और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो फिर दोस्तों आप लोग के पास ये पीडीएफ आ जाएगा, ये पीडीएफ आप लोग प्रिंट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको जो आगे ही एडमिट कार्ड माना जा सकता है या फिर जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दिया जा सकता है, दोनों में एक हो सकता है, इसलिए इसको डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे हमने जहाँ पे बक्सर जिला के लिए निकाले हैं, तो आप लोग जो जिला का निकालने चाहते हैं वो सभी का निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए, बहुत ही आसान है। बस इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को इतना ही जानकारी देना था, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो वीडियो में जितना भी आवाज़ आया हुआ दोस्तों प्लीज़ इसके लिए डिसलाइक नहीं कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।